हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, ये वाला वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग टॉप प्लेबल गेम्स, वो भी बेस्ट वाले बताने वाला हूँ। स्नैपड्रैगन 700 का, अगर तुम लोग के मोबाइल में प्रोसेसर है, 730 आ गया, 730G आ गया, 732G आ गया, या तो 720 का प्रोसेसर है, या तो गाइस स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है, उसमें भी ये सारे के सारे गेम्स कम्प्लीटली प्लेबल होने वाले हैं, विदाउट किसी लैग के चलेंगे। मेक श्योर कि गाइस तुम लोग का जो डिवाइस है, अगर यूज़ एम्युलेटर यूज़ कर रहे हो तो 6GB रैम होना चाहिए, और अगर तुम लोग स्काईलाइन यूज़ कर रहे हो तो 4GB रैम। गाइस ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही हम लोग का जो गेम है ये आ गया, कारफील्ड कार्ट, और ये वाले गेम का साइज़ है लगभग 1.5GB के अप्रॉक्स में। ये वाला मतलब वैसे रेसिंग टाइप गेम है, अगर तुम लोग को पावर मिलता है तो एनिमी को मारो और उससे अपना जो रेस है वो कंप्लीट करो। ग्राफिक्स इस वाले गेम का 2K क्वालिटी का है, ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा मस्त है, ऑसम है। यूज़ एम्युलेटर में हम लोग का ये वाला गेम बहुत ज़्यादा FPS बढ़िया मिल जाएगा। उसके बाद गए जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है स्कैटर XL, और गेम का साइज लगभग 2.5GB के अप्रॉक्स है। स्नैपड्रैगन 700 सीरीज में हमारा बढ़िया चलने वाला है ये गेम गाइस, और नया ड्राइवर यहाँ पे अभी अवेलेबल हुआ है, टर्निप ड्राइवर R15 वर्जन। अगर तुम लोग को चाहिए तो पिंड कमेंट में वो मिल जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है गाइस, ये आ गया हम लोग का डेड इनसाइड। एंड ये वाले गेम का स्टोरी है, हम लोग को कुछ बुरे लोगों से बचना पड़ता है, मतलब वैसे टाइप का ये वाला गेम है, प्ले डेड इनसाइड। स्नैपड्रैगन 700 सीरीज से ये 1.37GB का गेम का फाइल हो जाने वाला है। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये आएगा जोम्बी आर्मी 4। अगर तुम लोग के पास कोई भी ऐसा डिवाइस है ना जो कि लो एंड है, तो ये उसमें भी चल जाएगा, स्नैपड्रैगन 700 का सीरीज एटलीस्ट। हाँ, उसमें यूज़ एम्युलेटर इंस्टॉल होना चाहिए। जोम्बी आर्मी 4 विद लेटेस्ट टर्निप R15 ड्राइवर के साथ बेटर परफॉर्मेंस देगा ये वाला गेम। गेम का जो स्टोरी है ना, ये इसका स्टोरी है तुम लोग का 10 से 11 घंटे का गेम का स्टोरी है। उस अनुसार से अगर तुम वो कंप्लीट करने बैठोगे तो 1 से 2 हफ्ता तुम लोग को लग जाएगा ये वाला गेम कंप्लीट करने में। इसके बाद गाइस नेक्स्ट गेम आ गया अपना बर्नआउट पैराडाइज सिटी, और ये वाला गेम है, अगर तुम लोग के पास स्नैपड्रैगन 600 का सीरीज है, 700 का सीरीज है, 800 का सीरीज है, हर सीरीज में ये वाला गेम फुली सपोर्टेड है। एटलीस्ट तुम लोग के डिवाइस में यूज़ू एंड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी ये वाला गेम 100% चलेगा बढ़िया। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ज़ियोरेज, और ये वाला ना हम लोग का कुछ वैसा टाइप का गेम है, ऐसे फर्स्ट शूटिंग टाइप का गेम है। अगर तुम लोग को सही लगता है फर्स्ट पर्सन शूटिंग तो तुम लोग ये वाला गेम ट्राई कर सकते हो। गेम का साइज मैंने बता दिया है, गेम के लिए रिक्वायरमेंट एटलीस्ट तो 700 का सीरीज का प्रोसेसर चाहिए, 2 Archive 30 FPS का गेम है वो वाला। उसके बाद गाइस जो हम लोग का नेक्स्ट गेम है ये आता है आउटलास्ट 1, 5.72GB का है। इस वाले गेम का जो गेम प्ले है हम लोग को 5 से 6 घंटे का मिलता है, अगर उस अनुसार से तुम बैठोगे इस वाले गेम को कम्प्लीट करने तो वो भी वही 1 हफ्ता 1 वीक तो तुम लोग को लग ही जाएगा ये वाले गेम को कम्प्लीट करने में। हॉरर टाइप का है, इसका जो स्टोरी है रियल स्टोरी के ऊपर भी बेस्ड है, ये थोड़ा मजाकिया लगता है लेकिन भाई रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। एक तहखाना होता है, उसमें कई सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, तो उसमें से हम भी गलती से पहुंच जाते हैं वहां पे, तो जो होता है जो बीतता है वही स्टोरी के ऊपर है। उसके बाद अभी तक का गाइस जो मैंने गेम खेला है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा बेस्ट गेम हमारा कोई अवेलेबल होगा। तो ये सीरीज़ का नाम है नारुतो शिपोडिन अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म। अगर तुम लोग के पास ये वाला गेम नहीं है तो ये वाला गेम एटलीस्ट तो ट्राई कर लो। हर सीरीज़ हम लोग का प्लेबल है 1, 2, 3 और नारुतो एक्स बरुटो। ओके, तो ये जो मैंने इसके नाम ले लिए, ये लो एंड डिवाइस में भी सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 700 के सीरीज़ में, और जो गेम है बहुत ज़्यादा औसम है गाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है गाइस, ये वाला गेम आ गया स्ट्रेंज ब्रिजेड, और इस वाले गेम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। स्नैपड्रैगन 720 भी है, स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ है, स्नैपड्रैगन 695 तक है ना ये वाला गेम हम लोग का, बहुत बढ़िया चलने वाला है। 1x के अपस्केल में ये वाला गेम हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेबल रहेगा। मेक श्योर कि ये जो स्टोरी लाइन है ना इस वाले गेम का, थोड़ा पजल ज़्यादा है इसमें यार, तो उस अनुसार से देख लेना। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आ गया गाइस, रेजिडेंट एविल रिवोल्यूशन 2, 23GB का गेम है ये, और 23GB का गेम है, उस अनुसार से हम लोग को 700 के सीरीज़ में ये वाला गेम। कभी कभार गाइस ये है ना, हम लोग को इस वाले गेम में अभी सेव फाइल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई सिनारियों में हम लोग को गेम स्टक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये है हम लोग का 700 सीरीज़ में प्लेबल है। इसके बाद गाइस आ गया हम लोग का नेक्स्ट गेम, ये वाले गेम का नाम है रेसिडेंट एविल 5, और रेसिडेंट एविल 5 हम लोग का यूज़ू एंड्रॉयड एम्युलेटर में 2 ड्राइवर था, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल में, आके देख लेना। कटसीन भी प्लेबल हो गया है, और जो स्काई में ग्लिच था वो भी फिक्स हो गया है, मेरा वाला वीडियो देख लोगे तुम लोग को पता चल जाएगा टाइम पे कौन कौन सा तुम लोग को ड्राइवर चेंज करना है। बाकी न्यू ड्राइवर R15 वर्जन रेडी है इस वाले गेम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में होप जो वीडियो है गाइज पसंद आए, प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।